मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़े मामले का उद्भेदन किया है। ये बड़ा मामला ये है कि एक सामान को ले जाया जा रहा था बंगाल और अहियापुर थाना क्षेत्र में पिकअप पर ये सामान था जिसमें महिलाओं का 20 बोरा बाल था और स्क्रैप का सामान था और कार सवार अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है, लूटपाट की घटना की जाती है और ये सब फरार हो जाते हैं जिसको लेकर कार्रवाई की गई है और चारों अपराधियों को धर दबोचा गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, गोपालगंज से गिरफ्तारी की गई है और सामान भी बरामद कर लिया गया है। यूपी तक टीम गई थी, यूपी में पिकअप भेज दी गई थी और अंतर्राज्य गिरोह के चारों अपराधी बताए जा रहे हैं। महिलाओं के जो बाल होता है 20 बोरा बाल बरामद किया गया है और ये बंगाल ले जाया जा रहा था और इस पूरे मामले में डीएसपी जो है टाउन राघव दयाल उन्होंने जानकारी दी। क्या कुछ कह रहे हैं डीएसपी टाउन राघव दयाल, पहले आपको सुनिए। वो अहियापुर थाना क्षेत्र में एक विगत माह में ही घटना घटी थी, एक पिकअप वाहन पर बाल केस ले जाया जा रहा था, उसमें ड्राइवर खलासी को उतार करके और बाल लेकर के अपराधकर्मी गाड़ी समेत भाग गए थे। उसमें एक चार चक्का गाड़ी का उपयोग किया गया था अपराधियों द्वारा। तो अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर उसमें से जो शामिल अपराधकर्मी थे एक अपराधकर्मी को पकड़ा गया, फिर उनका कन्फेशन के आधार पर अन्य तीन अपराधकर्मी को पकड़ा गया जो इस कांड में शामिल थे। उसमें गोपालगंज का और छपरा जिला का अपराधकर्मी शामिल थे और पिकअप को ले जाकर अलग अदर स्टेट में बेच दिए थे। बेचने के बाद प्रकाश में आए थे उन लोगों के कन्फेशन के हिसाब से और उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन लोगों के निशानदेही पर जो बाल चोरी किया गया था वो बाल भी बरामद किया गया है और जिस पिकअप वाहन जिस चार चक्का वाहन से वो घटना कारित किया गया था उसको भी पकड़ा गया है। चारों गिरफ्तार अपराधकर्मियों को उस केस में न्यायालय भी भेजा गया है। अंतर जिला गिरोह या अंतर राज्य गिरोह भी कहा जा सकता है क्योंकि पिकअप को ले जाकर दूसरे राज्य में ये लोग खपाए हैं। ये बड़े गिरोह के लोग जी और इसमें आगे की कार्रवाई अनुसंधान अभी जारी है, आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी तो पूछताछ होगा, अब उनको फिर पुलिस रिमांड पर लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाल और बाकी जो चीज़ें थी उनका लूट का मोटिव क्या था, क्या चीज़? अब वो बाल को लेकर के, बाल तो महंगा चीज़ है, उसको लूट करके गाड़ी भी खपाने का और बाल को भी खपाने का इन लोगों का मोटिव तो उद्देश्य यही था, जो सामान उसमें लोड था उसको बेचने का इन लोगों का उद्देश्य था। तो आपने सुना कि डीएसपी टाउन राघव दयाल ने क्या कुछ बताया, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। स्क्रैप और महिलाओं का बाल, 20 बोरा महिलाओं का बाल बरामद किया गया है, महंगे दाम पर बेचा जाता है, इसीलिए ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। यूपी भी टीम भेजी गई थी, विशेष टीम इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही थी और चारों अंतर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को धर दबोचा गया है, जिनमें गोपालगंज के कुछ हैं, कुछ छपरा जिले के अपराधी हैं और ऐसी ही घटनाओं को ये अंजाम देते थे। इनसे रिमांड पर भी इन्हें लिया जाएगा। तो